नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस को प्रैक्टिकल जो दिखते हैं प्रॉब्लम साधक को आती हैं उसी के बारे में पूरी जानकारी के साथ, पूरा प्रैक्टिकल अनुभव के साथ ही आपको बताया जाए, ताकि आप भी ध्यान में उतर पाए और उस परम पिता परमेश्वर सतपुरुष सचखंड से मिल सके, उसमें एक हो सके। तो आज का जो विषय है वो कईयों का प्रश्न था भी, ध्यान करते समय ध्यान कैसे किया जाए। तो अधिकतर जो लोगों का या जो भी आपके भ्रांतियाँ हैं लोगों में, वो यही है कि बैठ के ध्यान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान करने की कम से कम 200 विधियाँ हैं, जो मेन तीन विधियाँ आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान कैसे किया जाए। कुछ लोगों का प्रश्न है भी, हमसे आधा घंटा एक घंटा दो घंटे नहीं बैठा जाता भी, हम 5 मिनट बैठते हैं और बैठा नहीं जाता। उसके कारण कई हैं, कईयों को तो मोटापा है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पाते, और कईयों को कुछ दर्द है पैरों में, कुछ प्रॉब्लम है, कभी किसी वजह से उनके पैर में चोट लगी हुई है या पैरों में कुछ प्लेट्स पड़ी हुई हैं, कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, वो इतना बैठ नहीं पाते। तो या किसी प्रकार का दर्द रहता है, या जब एक उम्र हो जाती है जैसे 50 साल 60 साल की उम्र होगी तो आप इतना नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बैठने की जो आपकी एज है, अगर आप 40-45 तक हैं तो आप अच्छे से बैठ कर ध्यान कर सकते हैं उससे पहले पहले, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आ जाता है तो साधक के प्राण ऊर्जा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो ध्यान में नहीं बैठ पाता। ये कईयों का प्रश्न था। तो ध्यान करा कैसे जाए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे ध्यान किया जाए। तो ध्यान तो पहले है, आप जैसे बैठ सकें सुविधा अनुसार आप वैसे बैठें, चौकड़ी लगा कर बैठें, खुले पैर रखे बैठें, आपकी इच्छा है, आप जैसे आपको सबसे अच्छा बेस्ट पोस्चर लगता है आप वैसे बैठे। बस ध्यान एक रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पहला जो बैठ के ध्यान करना चाहते हैं। अब कुछ साधक नहीं बैठ पाते, तो दूसरा है वो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं ध्यान, लेकिन ध्यान रहे कुर्सी पे भी बैठते टाइम आपकी कुर्सी की शेप ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसमें बैठो और आपके पैर आप लटका लो नीचे, वहाँ पे सिरहाना रखना है पैरों पे, नीचे रख सकते हैं गद्दानुमा कोई वस्तु रख सकते हैं और फिर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं कुर्सी पे। अब है प्रश्न था, क्या लेट के ध्यान किया जा सकता है? तो हाँ, लेट के भी ध्यान किया जा सकता है। जब भी आपने ध्यान लेट के करना है तो ध्यान रहे आपने कोई सिरहाना तकिया या कोई सिर के नीचे कोई ऊँची सी वस्तु नहीं रखनी है, प्लेन बिस्तर पे, प्लेन गद्दा या चादर बिछा के या कंबल बिछा के आप उस पर लेट जाएं। कंबल बिछा लें या गद्दोनामा चीज़ हो तो वो अच्छी रहती है, उस पर आप बिछा कर लेट जाएं सीधा, सिरहाना नहीं लेना है, तकिया नहीं लेना है अपने, और सीधा लेट जाएं, शव आसन की तरह लेट जाएं, हाथ थोड़े से खुले, पैर थोड़े से खुले, और शांति से लेट कर आपने सारे अंगों को ढीला छोड़कर फिर ध्यान आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे ध्यान करते टाइम आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली होनी चाहिए। अगर आपको सुषुम्ना नाड़ी खुली होने का नहीं पता है तो आप जितना मर्जी ध्यान करें ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान करते करते बहुत टाइम लग जाएगा तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, आधा आधा एक एक घंटा बैठने के बाद खुलेगी। उससे अच्छा है आप पहले ही खोल के ध्यान में बैठें सुषुम्ना नाड़ी को, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस एक बना के रखी हुई है तो वो आप देख लें अगर आपको इसका नहीं पता है तो।
सुषुम्ना नाड़ी ओपन करें, 5 मिनट का समय लगता है। ओपन करने के बाद आप ध्यान में बैठ के कर लें या लेट के कर लें। ध्यान रहे आपने सीधा लेटना है, दाईं तरफ या बाईं तरफ होकर आपने नहीं लेटना है, क्योंकि अगर आप दाईं तरफ लेट जाएंगे तो आपकी एक नाड़ी जो इंगला नाड़ी है वो बंद हो जाएगी, और जब बाईं तरफ लौटेंगे तो पिंगला नाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, आपने बाईं तरफ या दाईं तरफ करवट लेके नहीं सोना है, नहीं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाएगी और एक नाड़ी ही आपकी चलेगी 10-15 मिनट बाद। तो ये ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। लेट कर ध्यान करना है तो बिल्कुल आपने सीधा लेट कर ही करना है, दाईं या बाईं तरफ आपने करवट नहीं लेनी है। अब है खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, तो हाँ आप खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं। खड़े होकर आपने कैसे ध्यान करना है उसकी प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। आपने जब ध्यान करना है तो दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है, और ध्यान रहे बैलेंस आपका दोनों पैरों पर बराबर रहना चाहिए। ये नहीं कि आपकी दाईं तरफ ज़्यादा बैलेंस है और बाईं तरफ कम है, या बाईं तरफ ज़्यादा है तो दाईं तरफ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दोनों पैरों पर भार आपका बराबर रहना चाहिए, और आप फिर खड़े रहकर ध्यान भी कर सकते हैं। तो वही आपको बाकी ध्यान की मैंने प्रोसेस बताए हुए हैं। आप अनहद नाद ध्यान करें, आनापानासति ध्यान करें, या आपको किसी चक्रा में आपके प्रॉब्लम है, किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, या आप कुंडलिनी शक्ति शीघ्र से शीघ्र जागृत करना चाहते हैं, तो उनकी आप 7 चक्रा की जो हमारी वीडियोस हैं वो आप देखें, उन्हें हेडफोन लगाकर सुनें, और जैसे मंत्र का उच्चारण है वैसे उस का बीज मंत्र जो है उसे आप जाप कर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक एक करके नहीं उनको ओपन करना चाहते हैं, आपको वैसे ही चाहिए भी आप इजीली मेथड से करें, तो आप जो नाद साधना की 3 वीडियोस हैं उन पे आप ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या है बाकी चक्रा भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक ओपन होकर ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लग जाती है। लेकिन अगर आप किसी स्वास्थ्य से परेशान हैं, या आपको किसी तरह के किसी चक्रा में आपके ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो आप वो 7 वीडियोस जो हैं 7 चक्रा पे जो अलग अलग वीडियोस बनी हैं उन पे आप ध्यान करें, 1-1 घंटा कम से कम करें, ताकि वो आपके चक्रा की ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो जाए और आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लग जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपका जो ध्यान का मेन आपको जो आपके प्रश्न थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। जैसे एक साधक का प्रश्न था कमेंट में, उनका बीपी हाई हो जाता है, तो ध्यान रहे जब भी आपकी एक आपका स्वर चलेगा नाक का तब ऐसा होगा आपका। तो इसलिए ध्यान रखना है आपका, अगर दाएं स्वर चल रहा है और आप ध्यान में बैठ गए हैं तो आपका बीपी हाई हो सकता है, शरीर आपका गर्म हो सकता है, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। तो जब भी आपकी दोनों नाड़ियाँ चलें, अगर नहीं चल रही हैं तो सुषुम्ना नाड़ी कैसे ओपन करें वो वीडियो देख लें, उस तरह ओपन करके आप ध्यान में बैठें, ताकि किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए, कोई भी ब्लॉकेज आपको ना टकरानी पड़े और ध्यान आपका सही से लग जाए। और जितना टाइम ध्यान में लगे हैं वो निर्विचार शीघ्र हो जाएंगे, सुषुम्ना नाड़ी के कारण शांत रहेंगे और ध्यान आप में शीघ्र आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और जो कुछ इश्यूज थे लोगों के, कुछ बीमारियां के बारे में डाला हुआ था कमेंट, तो मैंने कमेंट में उनको जवाब दे दिया है। वैसे फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे ईमेल कर दें, या आप कमेंट में प्रॉपर आप अपनी डिसीज़ के बारे में या जो भी आपको प्रॉब्लम है शारीरिक वो भी लिख सकते हैं, या आपको ध्यान के ऊपर कोई प्रश्न है आपका, आपका उसको आंसर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप अपना प्रश्न उसमें डाल दें या मुझे ईमेल कर दें। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, उसमें आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी मिल गई है कि ध्यान आपने कैसे करना है, बैठ के कर सकते हैं, लेट के ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मैंने आपको जानकारियाँ दे दी हैं, तो कोशिश करिए आप भी ये जानकारियाँ हमारे साथ जैसे हम आप तक पहुँचा रहे हैं आप भी इन्हें आगे पहुँचाने का प्रयास करें, सहायता करें, लोगों की मदद करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।